गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टैंडर्ड 8 एंड 9 व्याकरण। आपको इसके वीडियो के पहले जो है हमने आपको व्याकरण में कारक पढ़ाया था, जो पार्ट वन में था। अब पार्ट टू, आज हम कारक का पार्ट टू, कर्ता और कर्म कारक तक उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स लिखवा दिए थे। आज हम कर्म कारक का ही थोड़ा सा सूचना, जो नोट्स बोलते हैं वो हम लिखवाने वाले हैं, तो वो सूचना डाल करके आपको लिखना है। सूचना यानी निर्देश इसको बोलते हैं। क्रिया के साथ समझा चुकी, वही लिखा जा रहा है। कर्ता नाम और कर्म, हाँ कर्ता राम आता है, और क्या खाया, उत्तर में कर्म आम आता है।
और कर्म क्या है? रोटी। सीता ने 5 आम खाए। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों को कर्ता और कर्म अच्छी तरह समझ में आ गया। कर्ता यानी कि जो काम कर रहा है और कर्म जिस काम को वो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्रिया के साथ कौन या किसने के उत्तर में कर्ता कारक है और क्या के उत्तर में जो कर्म है वो कर्म कारक है। जैसे कौन खाया यानी कि किसने खाया? राम ने खाया। तो राम क्या है? कर्ता है। और क्या खाया के उत्तर में कर्म आया है, कर्म यानी कि आम है। जब कर्ता के साथ चिन्ह आता है तब क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदल जाते हैं, ठीक है। कर्म के अनुसार ही होते हैं। जैसे राम ने रोटी खाई, अब ऐसा नहीं है राम ने रोटी खाया, क्योंकि खाई जो है रोटी वो स्त्रीलिंग में आती है। राम भले पुल्लिंग है लेकिन रोटी जो है स्त्रीलिंग है, तो रोटी खाई होता है, खाया नहीं, राम ने रोटी खाया ऐसा नहीं बोलते, ये अशुद्ध वाक्य हो गया शुद्ध वाक्य में। और दूसरा, सीता ने 5 आम खाए। आम आम क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए खाए। तो यहाँ पे क्या है, वचन कर्म के अनुसार होते हैं, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सब जो है ना किसमें आते हैं? कारक के अंदर ही आते हैं, केसेस में आते हैं। ओके, अब थर्ड नंबर हमारा आया है करण कारक। ये सब जो है सूचना जो है ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कर्ता और कर्म के लिए, कर्ता कारक और कर्म कारक के लिए ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है बेटा। ये हाँ, ये कर्ता क्या, पहला नंबर मैंने क्या लिखवाया था? कर्ता कारक। सेकंड नंबर कर्म कारक। तो वो कर्ता और कर्म का ये निर्देश है यानी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। अब हमारा थर्ड नंबर आया है करण कारक। इसमें वर्ड आता है से। पहले वाले में क्या वर्ड था? ने, कर्ता में, और कर्म में को। अब करण कारक में हमारा मेन जो चिन्ह है, विभक्ति है, वो से। इसका से का मतलब होता है द्वारा, किसी के द्वारा, कोई साधन से, करण का अर्थ होता है साधन। करण का अर्थ है साधन। मेरे ख्याल से इस साइड जो है तुम लोगों को शेडो पड़ रहा है, दिखता नहीं होगा। ओके, साधन। जैसे मोहन ने कलम के द्वारा पत्र लिखा, क्या साधन है? कलम। कलम के द्वारा या कलम से पत्र लिखा, तो ये साधन है। से शब्द जो है वो क्या है? किसी के द्वारा कोई काम करना और किसी साधन को लेकर काम करना, उसको करण का अर्थ ही है साधन। तो साधन यहाँ पे क्या है? कलम है। कलम के कारण जो है दुख गया, कलम से पत्र लिखा, इसलिए ये करण का अर्थ है साधन। कर्ता, कर्ता तो हर जगह आएगा क्योंकि कर्ता जो काम कर रहा है, हाँ, कर्ता जिस साधन से,
से क्रिया संपन्न करता है। संप्रदाय
one side. इसका चिन्ह है, विभक्ति है को या के लिए। जिसके ये काम या व्यापार होता है, उसे संप्रदाय को या के लिए है। जैसे जैसे अध्यापक ने पुरस्कार दिया। अध्यापक ने श्याम को पुरस्कार दिया। राम ने गुरु जी के लिए भोजन बनाया, भोजन बनाया। समझ में आ रहा है ना, ये उदाहरण के अनुसार समझ उदाहरण से ही समझ में आ रहा है। संप्रदान कारक क्या है? इसका चिन्ह को और के लिए है। किसके लिए काम या व्यापार होगा? कोई भी काम जिसके लिए हम करते हैं उसके लिए या व्यापार भी करते हैं तो वहां पे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को और के लिए होता है। जैसे अध्यापक ने राम को पुरस्कार दिया तो अध्यापक के द्वारा काम किया जा रहा है कि राम को पुरस्कार दिया। फिर राम ने गुरु जी के लिए भोजन बनाया। जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पूछ सकते हो आप खड़ा करके। उसका समानार्थी मुख्य होता है। समानार्थ शब्द मतलब के लिए, बस के लिए जो है के बदले उसका समानार्थी शब्द भी
संप्रदान विभक्ति, संप्रदान की विभक्ति के रूप में आता है। यह काम मैंने दोस्त के वास्ते किया, श्रीमान के लिए मैंने यह पुस्तक खरीदी। अब उसके बाद फाइल नंबर आया है अपदान का। इसका भी वो होता है से, thank you.
देखो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हल्का हो रहा है यहाँ पे, पत्ते अलग हो रहे हैं इसलिए यहाँ वरान कारक है से के लिए। मैं गोरखपुर से आ रहा हूँ, एक जगह का नाम है गोरखपुर से आ रहा हूँ, वियोग हो रहा है, आ रहा हूँ गोरखपुर छोड़ करके आ रहा हूँ, समझ में आया वियोग और अलगाव की स्थिति। ओके आप सिक्स नंबर और सेवन नंबर नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं।